What happened? I don't know. Why they stop? लैंड क्रू है, उनसे पूछना पड़ेगा। अगर वो ओके करेंगे तभी ये बोर्ड कर सकते हैं। तो ये है सुबह का नजारा बैंकॉक का। इंडिया के हिसाब से भी यहाँ पे 2.4, 2.45 या मैक्सिमम 2.5 के अंदर आपको करेंसी मिलती है। यहाँ पे ना चाइना का बहुत इम्पैक्ट है। चाइना की गाड़ियाँ, चाइना के प्रोडक्ट, चाइना का फूड, चाइनीज कॉन्सेप्ट बहुत है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे ना आपको इंडिया से ज्यादा इंडियन तो आपको बैंकॉक में मिलेंगे। बैंकॉक अभी इस टाइम तो वीजा फ्री है, तो वीजा फ्री के चक्कर में मेरे को इंडिया से ज्यादा इंडियन तो यहाँ मिल रहे हैं। और यहाँ पे भाई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर होटल में हो तो आपको जेट मिलेगा, वरना यहाँ जेट नहीं है भैया एयरपोर्ट पे। बहुत दिक्कत है, अंग्रेजी स्टाइल हो जाता है सारा का सारा काम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और बैंकॉक में दिन की शुरुआत हो रही है। ट्रैफिक बढ़ रहा है और बैंकॉक आके भी सुबह 6 बजे अगर हम लोग उठ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें कहीं जाना है। बैग वैग सब पैक है, सब रेडी है। मैंने चाय बनाई है अपने लिए और चाय पीने लगा हूँ। हेलो पीपल, थाईलैंड में हम, थाईलैंड की तरफ से एक और गुड मॉर्निंग। तो ऐसा है कि थाईलैंड में ना और भी बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकॉक है। बैंकॉक के अलावा फुकेट भी है और एक है जगह चांग माई, जैसे कि हिल स्टेशन है इंडिया में वैसे ही चांग माई भी एक हिल स्टेशन है। तो हम लोग आए थे यहाँ पे और 3 दिन का स्टे था हमारा बैंकॉक का। अब 3 दिन के बाद जो मेरा प्लान है ना वो है चांग माई में जाने का। तो अब हम जा रहे हैं चांग माई, सुबह की हमारी फ्लाइट है। तो अभी जो हमारी फ्लाइट है वो है सुबह की 9:35 की हमारी फ्लाइट है और हम लोग हो गए रेडी, रेडी जाने के लिए। बहुत अर्ली उठा तब जाके तो मैं रेडी हुआ कि यहाँ पे वीकडेज में अगर आप ट्रैवल करते हो तो इधर इतना ट्रैफिक होता है कि आपको एयरपोर्ट पहुँचने में भी 1 घंटा लग सकता है। वीकेंड इज कूल, वीकेंड यहाँ पे बहुत कूल है। तो आज वीकडे शुरू हो रहा है, आज मंडे है, तो हम लोग जल्दी उठ गए हैं, हम जल्दी जाएंगे। हमारी फ्लाइट है 9:30 की, तो आई ट्राई टू रीच अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ होता है, सामान मेरा पैक है। पर एक गलती ना मेरे से हो गई है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी करे यार। ये ना बड़े बड़े सूटकेस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा बैग भी बहुत है यहाँ पे, आपको बहुत आराम से कैरी हो जाएगा। ये फालतू के सूटकेस है यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी, मैक्सिमम लोग जो है ना वो कूल होके घूमते हैं, कोई भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बड़े हैवी से कपड़े डाल के घूम रहे हैं। यहाँ पे लोग चिल हैं, कूल हैं। तो आप जस्ट सिंपल अपने कपड़े लेके आओ, सिंपल सा बैग लेके आओ, ज़्यादा वेट लेके मत आओ, वरना आपका बहुत दिक्कत हो जाएगी एंजॉयमेंट के लिए। मेरे को तो बहुत हुई है, मैंने खुद यहाँ पे आके कपड़े खरीदे हैं, वो घर वहाँ से जो लाया हूँ ना वो तो पहने ही नहीं जा रहे हैं। आपको 200 रुपये की टी शर्ट आराम से मिल जाएगी, मैंने पहले भी चीज़ बताई थी। टैक्सी बुला रखी है हमने, बाय टैक्सी जाएंगे। टैक्सी इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेयर। इधर अगर आपने लोकल ट्रैवल करना है तो टुक टुक, जितनी तारीफ करूँ स्टाफ की तारीफ करूँ, बहुत अच्छा था। और यहीं से वॉकिंग, इसी के वॉकिंग डिस्टेंस में जिस होटल में हम थे नंदा हेरिटेज, इसी के वॉकिंग डिस्टेंस पे इन्हीं का एक स्पा भी बना हुआ है जहाँ पे आप मसाज वगैरह करा सकते हो। वैसे भी अगर आप बैंकॉक आ रहे हो तो होटल के रूम में तो बैठने से रहे। अब मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, आई हैव अ टी एंड उसके बाद। हाँ, ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको ना चाय खुद बनानी पड़ेगी, यहाँ चाय का चलन नहीं है। चाय में आपको कोकोआ पाउडर डाल देते हैं और इनकी चाय बहुत मीठी है भाई, चॉकलेट पाउडर, कोकोआ पाउडर, मतलब डेली हमारे स्टाइल की नहीं है जो हम इंडिया में पीते हैं। तो वो मैं खुद ही बना रहा था यहाँ पे। और क्या कहते हैं, अब मैं चाय ख़त्म करता हूँ और आगे चलते हैं, टैक्सी लेते हैं। मैं अब आपको आगे मिलता हूँ एयरपोर्ट पे। ओके, हम कर रहे हैं वेब चेक इन एंड वी आर एट द डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है यहाँ का और हमारी फ़्लाइट जो है ना वो थाई लॉयन एयर है। और यहाँ पे चेक इन कुछ इस तरह से है। इस मशीन में पहले आप राइट साइड पे पासपोर्ट लगाते हो और फिर ये आपका बुकिंग नंबर वगैरह डालेंगे। आप टू स्टैंड हेयर टू लुक एट इट और इट्स ओके। ओके, अब यहाँ से ख़त्म करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो ये है सुबह का नज़ारा बैंकॉक का और ये है नेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो दिस इज़ द डोमेस्टिक वन एंड वी आर हेयर ट्रैवलिंग टू चांग माई। और ये देखो बाहर से कितना ही प्यारा बना हुआ है, इमिग्रेशन वगैरह सब पार हो गया। अब हम आ गए अंदर, एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे शुरू हो गया स्टोर्स वगैरह लोकल एयरपोर्ट पे जैसे होता है। अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर की तरफ, वी आर ऑल सेट, हमारा चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया, तो ऑन टाइम, लेट नहीं होंगे। 1 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से चांग माई की। और खाने के लिए यहाँ पे 7-Eleven इज़ अ गुड ऑप्शन। इतना प्यारा है ना एयरपोर्ट ये वाला,
ओके सो बैंकॉक में ना दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और ये डोमेस्टिक भी कवर करता है, एंड जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो दूसरे वाले एयरपोर्ट पे जाती है जो सर्वभूमि एयरपोर्ट जहाँ हम गए थे। तो जो हमारा गेट नंबर है वो 42 और हमें जाना है 41 to 46 की तरफ। सो इस साइड जाएंगे हम, मतलब यहाँ पे ना ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखते हैं, हरियाली बहुत है एयरपोर्ट के आसपास, घरों के आसपास। सो अंदर से दिखाता हूँ आपको थाई एयरवेज है कैसी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडिया वापसी की जो फ्लाइट है वो भी थाई एयरवेज है, बट आई गेस ये डोमेस्टिक है तो ये प्लेन छोटा होगा, वो इंटरनेशनल है तो वो प्लेन बड़ा होगा। सी दिस, ये क्लीनिंग कर रहा है, ऑटोमेटिक क्लीनर है ये, सेम एज दिल्ली एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। चीज़ें खरीदने के लिए हैं बट महंगी बहुत है, बट यहाँ के लोकल ब्रांड्स हैं। अच्छा मैं ये कह रहा था आपको, यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, इन्होंने CCD, कॉफ़ी कॉफ़ी डे या फिर आपका बरिस्ता, इन सब के ना कॉफ़ी ब्रांड्स बना रखे हैं, जो कॉफ़ीज ना बहुत सस्ती हैं एज कम्पेयर टू CCD, वो आपको यहाँ पे पीने को मिलेगी। छोटे छोटे कार्ड बने हुए हैं जो एक्चुअली में CCD से अच्छी कॉफ़ी देते हैं, बल्कि यहाँ पे लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हैं तो स्टारबक्स वगैरह ही कॉफ़ी ले लेते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू स्टारबक्स उनकी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लस यहाँ पे ना आपको इंडिया से ज़्यादा इंडियन तो आपको बैंकॉक में मिलेंगे। बैंकॉक अभी इस टाइम तो वीज़ा फ्री है, तो वीज़ा फ्री के चक्कर में मेरे को इंडिया ज़्यादा इंडियन तो यहाँ मिल रहे हैं। इवन आई एम ट्रैवलिंग टू लाइक चांगमाई, तो चांगमाई तक भी बहुत सारे जा रहे हैं, इवन मुंबई से, कर्नाटक से, आपको इतने लोग दिखेंगे जाते हुए। ये देखो ये भी एक इंडियन कपल है सामने, इंडियंस बहुत है यहाँ, बहुत इंडियंस है, आपको वो लगेगा ही नहीं कि हम इंडिया से बाहर आए हुए हैं। इवन यहाँ पे कई ऐसे शॉप ओनर हैं, लोकल शॉप ओनर जो इंडिया से हैं और उनकी फैमिली इंडिया में, बट यहाँ पे वो लोग कैफेज चला रहे हैं और रेस्टोरेंट्स वगैरह चला रहे हैं। यहाँ पे लोग कैंडीज बहुत खाते हैं, डोनट्स बहुत खाते हैं, छोले भटूरे एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, पूरी छोले नहीं मिलेंगे यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लोगों को चाउमीन पसंद है। एक जो मोस्ट कॉमन चीज़ मुझे यहाँ पे लगी ना, वो लगा चाइना का इम्पैक्ट, यहाँ पे चाइना का इम्पैक्ट बहुत है, इवन चाइनीज ब्रांड की गाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत चलती हैं। फिट मील, यहाँ के लोग फिट बहुत हैं, मे बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे चलते बहुत है, इनको चलना पसंद है, साइकिलिंग करना पसंद है, वॉक करना पसंद है। और जो इनका खाने का रूटीन है ना, मैंने बताया ना आपको जैसे लास्ट वीडियोस में भी, ये सबसे ज़्यादा शेक्स पीते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। सो मैं अभी आया टॉयलेट में और एक बड़ी फ़नी बात बताता हूँ मैं आपको, ये इंडियन रिलेट कर सकते हैं सिर्फ, यहाँ पे ना जेट स्प्रे नहीं है भाई, तो आई विश आई कुड शो यू, मैं दिखा सकता पर मेरे को लगता दिखाना सही नहीं होता। और यहाँ पे भाई बड़ी प्रॉब्लम है, अगर होटल में हो तो आपको जेट मिलेगा, वरना यहाँ जेट नहीं है भैया एयरपोर्ट पे, बहुत दिक्कत है, अंग्रेजी स्टाइल हो जाता सारा का सारा काम। बट ये है कि एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना, पर यहाँ पे आपको हर फ्रेंचाइज मिलेगी, KFC, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, हर फ्रेंचाइज मिलेगी आपको जो हमारे इंडिया में है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो इंडिया में है। इंडिया में तो यू कैन आस्क देम के वेज या नॉन वेज है, यहाँ पे तो नॉन वेज ही बड़े तरीके का है, पोर्क हो सकता है, बीफ हो सकता है, लैम्ब हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, यहाँ पर तो नॉन वेज ही बहुत तरह का है। ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रहा है सामने सीधा, और ये है टर्मिनल 2 इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, और हमें अभी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए गेट नंबर 42। हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे ना चाइना का बहुत इम्पैक्ट है, चाइना की गाड़ियाँ, चाइना के प्रोडक्ट, चाइना का फूड, चाइनीज कॉन्सेप्ट बहुत है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना यहाँ के लिए वो चाइना ही है। चाहे हमारे लिए तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए पिज़्ज़ा फ्री हुआ है यहाँ पर चाइना के लिए तो पहले से फ्री है, चाइना से बंदे पहले भी आ सकते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रेट अवे टेक केयर देयर पासपोर्ट एंड कम टू थाईलैंड। बहुत टूरिस्ट है यहाँ पे चाइना का। अब हम यहाँ बैठेंगे, वेट करेंगे अपनी बारी का, हमें जाना है, फ्लाइट है हमारी 9:30 की, सो दे विल स्टार्ट बोर्डिंग 20 मिनट्स बिफोर। हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है एंड वी आर अप विद द बोर्डिंग। अब हमें जाना है और सिर्फ अपनी सीट पकड़नी है और सीट पे बैठना है और आपको दिखाना है कि अंदर से प्लेन कैसा है, दैट्स इट। थैंक यू। फनी इंसिडेंट हो गया कि हमारे साथ जो एंजेलो है ना, ही उसने अपना पावर बैंक जो है ना वो सूटकेस में छोड़ दिया, और या प्लीज चेक, क्रू ने बोला कि प्लीज गो एंड रिमूव योर बैटरी पैक फ्रॉम देयर, तो वो रिमूव करवा दिया, वो उसमें दिक्कत हो रही है बोर्डिंग में, दिक्कत यह है कि दे वांटेड टू कंफर्म फ्रॉम द देयर क्रू
जो लैंड क्रू है उनसे पूछना पड़ेगा, अगर वो ओके करेंगे तभी ये बोर्ड कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ आपके लिए भी सेफ्टी है, डोंट पुट योर पावर बैंक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन योर लगेज। इलेक्ट्रॉनिक डाल के मत आना, ये इधर के लिए नहीं हमेशा के लिए, मतलब इंडिया के लिए भी है, यहाँ के लिए भी है, कहीं भी आप फ्लाइट पर ट्रैवल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी भी आपने उसमें सामान में नहीं डालना, वो आपका इमिग्रेशन में चेक होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे टूरिस्ट क्यों है ज़्यादा, जो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे टूरिस्ट होने का जो है ना सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ की जो करेंसी है ना वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इंडिया के हिसाब से भी यहाँ पे 2.4, 2.45 या मैक्सिमम 2.5 के अंदर आपको करेंसी मिल जाती है, मतलब इंडिया के 2.5 रुपये, यहाँ का 1 रुपया। और यहाँ पे खाना पीना इतना महंगा नहीं है। अगर आपको जैसे बैंकॉक आना है एक बंदे का, अगर आप थोड़ा प्री प्लान कर लो टिकट्स को, एमरजेंसी में बुक ना करो। देखो मेरा तो प्लान था ही नहीं, एंजेलो ये ब्राज़ील से है और इसको था कि मैं साथ चलूँ, तो ये टुक मी अप, गॉट इट, ओके। बट अगर आपने आना ना थोड़ा सा पहले प्लान करो तो एक बंदे का व्हाट आई थिंक इज आपका काम हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 35 to 50 के अंदर। कौन किस साइड, कब आप आ रहे हो या कब का टाइम है, व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाई दे स्टॉप, आई थिंक इज द डब ऑफ चैट, ओके द सेम थिंग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। ये चीज मुझे अच्छी लगी, वॉक करके आओ और सीधा बे में, मतलब बे आ गया और बे से आप सीधा प्लेन में। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन, ये बे क्रॉस करके हम सीधा प्लेन में चले जाएंगे और हम लास्ट हो गए, वी आर द लास्ट वन। हेलो स्वातिका, सेम प्लेन ही है जैसे कि स्पाइस जेट का होता है, वैसे ही है, थ्री रोज बीच में पाथ है और तीन सीट इस तरफ है। So the same domestic plane, nothing so much different. ये रहा हमारा प्लेन जिसमें हम आए हैं, छोटा प्लेन था जो ऐसे स्पाइस जेट का होता है। ओके ऑन ऑफिशियल वेलकम टू चांगमाई, लैंड कर गए हैं और अब हम बस में हैं और बस हमें लेके जाएगी टर्मिनल तक, टर्मिनल से दूर प्लेन से एयरपोर्ट तक। तो बाहर निकल के देखते हैं कैसा माहौल है और यहाँ के एयरपोर्ट का क्या माहौल है, लेट्स सी। ये भी एक एयरलाइन है, ईवाई है। तो यहाँ से हम आए हैं और आपका ऑफिशियली वेलकम है चांगमाई में। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं तो चांगमाई जो है इज काइंड ऑफ अ हिल स्टेशन, एक तरह का हिल स्टेशन है, जैसे कि हम लोग जाते हैं मकलोडगंज धर्मशाला, उसी तरह का एक हिल स्टेशन है थाईलैंड के पीपल के लिए। और यहाँ पे थाईलैंड के टूरिस्ट नहीं आता, यहाँ पे इंडिया से भी आता है, चाइना से भी आता है, वियतनाम से भी आता है, कंबोडिया से भी आता है, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना वो बैंकॉक में, बैंकॉक से भी ज़्यादा यहाँ पे चांगमाई में दिखेगा आपको। ये एक तरह का हिल स्टेशन और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन थाईलैंड, बट इंडियन स्किन के लिए इट्स ओके, हमारे लिए ठीक है। अभी मैंने ये जो जैकेट भी पहनी है इसलिए पहनी हुई है क्योंकि फ्लाइट में ठंड थी, वैसे बाहर का मौसम ठीक है, नॉर्मल है, जैसा नॉर्मल दिल्ली का टेम्परेचर होता है वैसा ही है। यहाँ पे इनके हिसाब से ठंडा, हमारे हिसाब से नहीं है। बट अब हम बाहर चलते हैं, थोड़ी पिक्चर का क्लिक करा रहे थे क्योंकि ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। यहाँ पे ये है इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो ये लोग पहनते हैं यहाँ के फेस्टिवल्स वगैरह में, ये कंसिडर करते हैं इसको, ये मेल और ये फीमेल्स के लिए। और जो मेरी वापसी की फ़्लाइट है ना डेली के लिए वो है थाई एयरवेज, तो उसमें मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा प्लेन नहीं मिला जो मैं आपको दिखा सकूँ। अब हमारे बैग आने शुरू हो गए और हमें जाने की पड़ी हुई है यहाँ से, सबसे लास्ट में मेरा बैग है। ओके अब ये टाइम है हमारा बाहर जाने का और हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, लेट्स सी कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मे बी के वहीं वहाँ की तरह टैक्सी यहाँ पे थोड़ी सी चीप हो और टुक टुक क्या रेट है, अब ये सब बाहर जाके पता लगेगा हमको। हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि यहाँ के चार्जेस पता करें क्योंकि यहाँ ट्रैवल करना कैसा है, आसान है, मुश्किल है, सस्ता है, ये सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है। पर एक और चीज़ यहाँ पे है जो मैंने देखी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेडीज़ काम कर रही हैं। अच्छा नंबर प्लेट भी चेंज हो गई यहाँ पे,
जब हम वहाँ पे थे तो नंबर प्लेट अलग थी, यहाँ पे नंबर प्लेट अलग है। चांगमाई की नंबर प्लेट अलग है, बैंकॉक की अलग है, पताया का मुझे पता नहीं, वहाँ तो हम गए नहीं। ये बाहर निकलते ही यहाँ पे सारे के सारे गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग खड़े होते हैं ना, जैसे हमारे वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी है वैसा ही सिस्टम है। और ये 150 बाट बोल रहे हैं, 150 बाट कहीं पे भी आपने जाना है वहाँ के लिए। बाकी आपको यहाँ पे भी मुझे लगता है यहाँ पे तो बार्गेन नहीं कर सकते आप, पर अगर आप थोड़ा सा सस्ता जाते हो तो बाहर जाके बार्गेन कर सकते हो। बट आई थिंक बाहर जाना इज यूजलेस, आप यहीं से टैक्सी ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है होटल तक। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ना मतलब लोग भटक जाते हैं यहाँ पे आके। इससे बढ़िया यही है कि अगर आप देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि सोलो ट्रैवल जाते हैं यहाँ पे, फैमिली वाले ज़्यादा आते हैं। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ पीछे इसी फ्लाइट में कम से कम 6-7 कपल हैं जो इंडियन कपल है, तो वो लोग भी आए हैं इंडिया से, तो वो फैमिली के साथ ना ट्रैवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इट्स बेटर कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो टैक्सी ले लो अभी के लिए होटल के लिए, उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे टैक्सी ही कंफर्टेबल है। हमारे इंडिया की तरह यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट चल रही है, पर ये इलेक्ट्रिक नहीं है। हाँ येलो भी है यहाँ पे, तो मे बी येलो वहाँ पे भी थी। हाँ येलो बैंकॉक में भी थी। तो यहाँ पे 2 नंबर प्लेट है, येलो और ग्रीन और एक वाइट, 3 नंबर प्लेट है। बट बैंकॉक में 2 थी, एक येलो और एक थी वाइट। मतलब ये शेड है, शेड के पीछे सारा माउंटेन पहाड़ है। हिमाचल में या जम्मू में जाते हैं वैसे ही पहाड़ है, तो ये एक तरह का हिल स्टेशन ही है चांगमाई थाईलैंड के लिए। अब हम आगे, हमने ये वाली टैक्सी है, ये वाली टैक्सी आई है, इसमें एक साथ कई लोग बैठ सकते हैं। अब ये देख रहे हैं हम, इतनी बड़ी टैक्सी सिर्फ हमारे लिए, पूरी खाली है, सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई भी नहीं है। बट यहाँ के लोग फिर भी अच्छे हैं, हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि ये वेट कर रहे हैं अभी कोई आएगा बैठेगा, पर ये चल पड़े हैं। हम बैठे हैं तो हमें लेके चल पड़ा है, ये वेट नहीं कर रहा कि कोई आएगा वो टूरिस्ट आएंगे। बाकी आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी राइट हैंड ड्राइविंग ही है इंडिया की तरह, इज नो डिफरेंस। ये हमारे आगे ना ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये टोयोटा लाना हाइलक्स, ये एक्चुअली में ना टोयोटा की कॉपी है। सो वेलकम टू द होटल, ये है हमारा होटल अगले शायद 5 दिन और 4 रातों के लिए। और ये है, ये अंदर से कितना ही सुंदर होटल है, और मैं आपको इसके चार्जेस बताऊंगा ऊपर जाके। बाकी ये होटल देखो आप, भाई शंगरीला से कम नहीं है इंडिया के। और ये इतने सस्ते रेट पे है ना कि आप बिलीव ही नहीं करोगे, आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे मेरे पे, इतना सस्ता है। और इनकी क्रिसमस डेकोरेशन देखो आप, वाओ। बाहर से भी दिखाऊंगा आपको जब हम जाएंगे, तो फिलहाल तो आप ये देखो। होटल में हमने चेक इन कर लिया है, होटल बहुत अच्छा है, कमरे बहुत अच्छे हैं, पर वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि सब कुछ इसी व्लॉग में कवर कर दूंगा तो फिर नेक्स्ट का इंटरेस्ट नहीं रहता ना। बट मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे विंडो से व्यू देखो आप, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार कहाँ आ गया हूँ मैं। मेरे को तो ये चांगमाई और अच्छा लगा, मतलब एज कम्पेयर टू बैंकॉक मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप थाईलैंड आ रहे हो तो मेरे हिसाब से चांगमाई तो बहुत बनता है भाई आना। और इसकी कॉस्टिंग, होटल कितने का पड़ा, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में, अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा आपको मैं। होटल बहुत अच्छा है, ओल्ड स्कूल है, मतलब पुराने स्टाइल में बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी सारा होटल की बिल्डिंग है सामने, ये भी होटल है। और अगेन हमारा जो रूम है ना उसी फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर स्विमिंग पूल है। तो अभी देखते हैं, फिलहाल थक गया हूँ, रेस्ट करूँगा, आराम करूँगा और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मेरे व्लॉग्स को देखते रहें। और अगर आप इस व्लॉग को शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है व्लॉग बनाने की। मुझे पता लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर गलत भी है तो एटलीस्ट आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि गलत है या सही है। बाकी टेक केयर, हास्ता ला विस्ता।